सो बाहर निकल चुके हैं, 5 मिनट का काम था, खत्म हो गया, सर्च का आईडी बन चुका है। Alright, so hi everyone, this is Pradeep Verma signing in, welcome back to the channel. So, आज है फ्राइडे और निकल पड़े हैं, निकल पड़े मतलब अभी तो उठाई हूँ मैं जब, और निकलेंगे अभी थोड़ी देर में ऑफिस के। आज हमारा ग्रीन टी का जो मग था वो चेंज हो चुका है, क्योंकि कल हमने सोचा था कि रात को लेट मतलब 10 बजे के बाद डिश वॉशर ऑन कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही हम लोग सो गए तो डिश वॉशर ऑन करना ही भूल गए हम लोग, तो अभी जस्ट मैंने ऑन किया है, इसलिए दूसरा मग लेना पड़ा। बाकी ठीक है, ब्रेकफास्ट करते, बाकी फ्राइडे अभी लॉन्ग वीकेंड अप्रोच कर रहा है, तो कल से लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट, मतलब अभी ट्यूसडे जाना है सीधे, तो लॉन्ग वीकेंड के बाद एक और खुशी मिलती है कि जो नेक्स्ट वीक होता है वो शॉर्ट वीक होता है, क्योंकि मंडे भी छुट्टी, अभी 4 दिन जाना है, फिर उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, तो होता रहता है ऐसा, तो लॉन्ग वीकेंड डबल खुशियां देके जाता है। चलो ठीक है, अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर निकलते हैं ऑफिस। ऑलराइट, सो घर पे आ चुके हैं, बाकी इंडिया वाली धूप निकली है आज, ये देखो बाहर का माहौल, इंडिया वाली धूप है, बिल्कुल इंडिया वाली। ठीक है, अभी फ्रेश हो जाते हैं, और आज तो मतलब जल्दी 4:30 बजे घर आ गया मैं, तो ट्रैफिक भी बहुत कम था रोड पे, बाकी सुबह में जब गया था मैं सारी सिग्नल मुझे रेड मिली थी, तो 5 मिनट लेट हो गया था। चलो ठीक है, फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं नाइट आर्चर, वहां से सर्च का आईडी लेंगे मेरे भाई के लिए, तो उसके लिए हमने लिया है उसका वॉइड चेक, जो कि उसका बैंक अकाउंट था बैलेंस है यहाँ पे, क्योंकि वो पहले मॉन्ट्रियल में रहता था, तो अभी उसका वॉइड चेक जिसमें एड्रेस यहाँ का, और एक फोटो आईडी जिसमें पासपोर्ट दे रहा है, और वर्क परमिट या फिर जो पीआर कार्ड आपका जो भी हो वो COPR, तो 3 प्रूफ चाहिए, एक फोटो आईडी चाहिए, एक रेसिडेंट प्रूफ चाहिए, और आपका लीगल स्टेटस कनाडा में, तो इससे आपका काम हो जाएगा, आपको सस का आईडी मिल जाएगा। तो जाने से पहले हम लोग खाना बना लेते हैं, तो आके फिर खाना ही रहेगा, क्योंकि कॉस्को भी जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, तो पहले जाएंगे नाइट आर्चर, वहाँ पे सस्काइडी का काम निपटाएंगे, उसके बाद चलेंगे कॉस्को, तो अभी खाने की प्रिपरेशन चल रही है, डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे प्याज और आलू, मतलब आज आलू प्याज की सब्जी और राइस बनेगा, बाकी यहाँ पे 2 चॉपिंग एक्सपर्ट आ गए, तो अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं एक आलू कट करूं वही स्पीड से ये लोग 2-2, 3-3 आलू कट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन टाइम कम होता है, तो मैं मतलब इंटर्न लोग को काम नहीं देते, कोई नहीं देता, तो अभी मैं इंटर्न हूं, तो ठीक है, अभी जब आराम से करना होता है तब मैं करता हूं। तो इंटर्न को आज ड्यूटी मिली है राइस बनाने की, तो ठीक है, अभी कुकर ले लिया मैं, राइस बनाते है, ये डाला ऑयल, ये जीरा और पानी। ये राइस, तो निकल चुके हैं, और अभी बजे है कुछ 6, फिर भी धूप है, अभी सनसेट हुआ नहीं है, मतलब देखो आप, और स्काई कितना क्लियर है वो आपको पता चल जाएगा इससे। बाकी सनसेट हुआ नहीं है अभी, तो अभी धीरे धीरे समर आ जाएगा, फिर 10-10 बजे तक यही हालत रहेगी, सनलाइट देखने को मिलेगी, तो अच्छा है, चलो जाके आते हैं, सस्क आईडी लेके आते हैं। पहुंच चुके हैं नाइट आर्चर, सो बाहर निकल चुके हैं, 5 मिनट का काम था, खत्म हो गया, सस्क आईडी बन चुका है, मतलब एक पेपर पे दे दिया, अभी मेल पे आ जाएगा 5 से 7 दिन में। ऑलराइट, सो अभी वहां से निकल चुके हैं नाइट आर्चर से, और पहुंच चुके हैं कॉस्को, तो यहां से कुछ सामान लेना है तो वो उठा लेते हैं, तो ये लिए ड्राई फ्रूट्स, अभी बाहर लेने हैं,
प्रोटीन बार खत्म हो चुके हैं। तो ये नेचर वैली का इस बार ले लिया है हमने ग्रैनोला बार्स। बाकी ये फिला की फ्लिप फ्लॉप, प्राइस देखो आप 14.99। तो कोकोनट वाटर ले लेते हैं, ये 12 का पैक है। मुकवा दे मुकवा दे भाई, हैंड सॉप खत्म हो गया है तो ये ले लेते हैं। ऑलराइट, तो घर पे आ चुके हैं, सारा काम हो गया है, तो अभी डिनर करने बैठेंगे, तो डिनर कर लेते हैं फिर देखते हैं। आज तो कल छुट्टी है तो मैच देखेंगे रात। ऑलराइट, तो खाना हो चुका है अभी और बज गए हैं 10, मतलब खाना हमने खा लिया था 9 बजे कुछ, और अभी टीवी देख रहे हैं, अभी मैच देखेंगे हम। बाकी सस का आईडी का काम हो गया है, वो मेल से आ जाएगा, मतलब कुरियर से 1 वीक कुछ लेता है, उस टाइम पे आ जाएगा। बाकी मेन वाइल हम लोग जो रिसीट, मतलब वही सस का आईडी अभी वैलिड माना जाता है यहाँ पे, आपको भी एक छोटा सा दे देंगे पेपर पे, तो वो वैलिड माना जाता है, तो उसको लेके आप हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो वही अभी हम लोग कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसका हेल्थ कार्ड भी मतलब प्रोसेस में हो जाएगा। तो एक और चीज आपको बतानी थी कि सस का आईडी अगर आप लेने जा रहे हो तो SGI भी यहाँ पे बनाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ज्यादा मांगेगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने SGI से बनाया था, उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मांगे थे। बट अगर आप नाइट आर्चर या फिर उस जितने भी सब्सिडरी ब्रांच है, मतलब वो थर्ड पार्टी करते हैं ये सब, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, SGI के साथ टाई अप है उनका, तो वो लोग आपको सस आईडी बना के दे देंगे। और डॉक्यूमेंट्स भी इतने चाहिए नहीं जितने मैंने आपको बताया कि 3 डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा। एक रेसिडेंट प्रूफ चाहिए सस्केचवान का, और जो आपका वैलिड यहाँ पे स्टेटस है वो, और फोटो आईडी, उतने में काम हो जाएगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, एज एड्रेस प्रूफ आप वॉइड चेक दे सकते हो जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हो। और अगर रेंट एग्रीमेंट आपसे मांगे, और अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट ना हो तो आप एक NOC बनवा सकते हो, तो उससे आपका काम चल जाएगा। वैसे नॉर्मली अगर आप नाइट आर्चर या फिर दूसरे 2-3 ऐसे है इंश्योरेंस कंपनियां जिनका SGI का टाइप है, वहां आप जाओगे तो वो लोग नॉर्मली नहीं मांगते, वो आपका 3 ये जो मैंने बताया वही डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज योर प्रतीक वर्मा साइनिंग ऑफ, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।